नमस्कार, अर्चना डेली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पालक पुलाव बनाने जा रही हूँ। पालक पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और ये आप सभी को खिला सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पालक पुलाव मैंने पालक और बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने कुकर लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच घी लेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा लेंगे। जीरा जब थोड़ा सा तरकने लगेगा तब हम इसमें 8 से 10 टुकड़े काजू डाल देंगे। 10 काजू का टुकड़ा कर लेंगे और इस तरह से इसको डालकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर बारीक काटकर डाल देंगे और उसको भी फ्राई करते रहेंगे। 1 गाजर इस तरह से काटकर हम डाल देंगे और 2 आलू भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर हम डाल देंगे और फिर हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर मैंने 1/2 कप लिया है और फिर हम सब्जियों को लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे। अब मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, उसको भी बारीक काट कर डाल देंगे। इस तरह से लंबाई में काटना है इसको। अब मैंने 100 ग्राम पालक लिया है, उसको भी धोकर बारीक काट कर डाल देंगे सब्जियों में और फिर इसको थोड़ी देर चलाएंगे। पालक थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर हम सब्जियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरह से थोड़ी देर जब सब्जियां फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें दही डालेंगे। दही मैंने 1/2 कप लिया है। दही डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खिला खिला भी बनता है और पालक का स्वाद भी अच्छा आता है इससे। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें करीब 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आपके पास अगर बिरयानी मसाला पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल देंगे। अब मैंने 2 कप बासमती चावल लिया है जिसको 1/2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और इसको डालकर थोड़ी देर चलाते रहेंगे सब्जियों के साथ। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। अब मैंने 2 कप चावल लिया था तो इसमें 3.5 कप पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद हम कुकर खोलेंगे और आप देख रहे हैं हमारी जो है पालक पुलाव तैयार है और ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है। अब हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। बहुत ही हेल्दी होता है ये। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।